सो हे गाइस वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग यहां पे खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, पर ये कोई एक नॉर्मल वर्ल्ड नहीं होने वाला, ये होने वाला है एक रैंडम माइनक्राफ्ट। इस वाले वर्ल्ड में सब चीजें एकदम रैंडम होने वाली है और यहाँ पर है ये माइनक्राफ्ट का हार्ड कोर वर्ल्ड। अगर मैं बाई चांस में एक भी बार मरता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी चीज ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी रैंडम ड्रॉप। तो हाँ, यहाँ पे मैंने एक बहुत तगड़ा मॉड लगाया है एंड हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस मॉड को और देखने वाले हैं कि भाई इसमें कंप्लीट करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा एंड यहाँ पर लास्ट में हमें डिफीट करना है इस मॉड के साथ एंडर ड्रैगन को। तो चलो भाई फटाफट चलते जर्नी के अंदर और देखते हैं क्या हम लोग डिफीट कर पाएंगे एंडर ड्रैगन को या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें मैं सबसे पहले दिखाता हूँ ये रैंडम कैसे है। तो जैसे भी यहाँ पे मैं कोई भी ब्लॉक तोड़ूंगा, जैसे मैंने ये तोड़ा, तो मैंने तोड़ा लीफ पर मुझे मिला क्या, मुझे मिला ये ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे एकदम ही रैंडम चीज होने वाली है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ उस लॉक को और अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, लॉक तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे टेराकोटा। तो ये गेम तुम लोग सोच रहे होगे तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, आराम से सारी चीजें मिल पा रही है, लीफ को तोड़ रहे हो पत्थर मिल रहा है, पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक बार तुम लोग सोचो, अगर मुझे यहाँ पे वुड तोड़नी है, मुझे स्टिक्स चाहिए, मुझे टूल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे वुड को तोड़ के वुड नहीं ले सकता, तो भाई यहाँ पे वर्ल्ड बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। तुम लोगों को भाई इजी लग रहा होगा, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्यूजी बिल्कुल भी नहीं है ये मॉड। सामने की तरफ मुझे दिखाई दे रही है बहुत सारी सैंड, तो क्या हम अगर सैंड को तोड़ेंगे तो क्या अपने को बहुत ही ज्यादा ओपी चीज मिल सकती है इससे, बैनर पैटर्न, फ्लावर चार्ज का अपने को बैनर पैटर्न मिला है। अबे भाई ये क्या फालतू चीजें मिल रही है भाई, मुझे लगा था कोई ओपी चीजें मिलेगी। हम लोगों को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स चाहिए होंगे ताकि हम लोग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर पाए, जैसे कि यहाँ पे पिंक फ्लावर्स हैं, उनसे अपने को ट्रैप डोर मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पे बेसिक टूल्स भी चाहिए होंगे ना तो भाई उन्हें कलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। पर क्या अगर मैं इस पिक को मारता हूँ तो मुझे कुछ नई चीज मिलेगी, एक सेकंड रुक, पिगी रुक रुक रुक, अबे कहाँ जा रहा है, भाग कर रहा है, रुक रुक रुक, लेट्स गो ट्राई करते हैं, आउच, हाँ भाग कर रहा है, जा। ओके, हम लोगों को खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं क्योंकि अगर हम इस पिक को मारते हैं तो हमको ये मिलेगा। क्या करूंगा, इसको खाऊंगा मैं, क्या करूं इसको खाऊं मैं, खाना भी नहीं खा सकता क्या मैं अब, जी जी हो गया गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं खाना नहीं खा सकता, यहाँ पे मैं टूल्स नहीं बना सकता और ऊपर से ये वर्ल्ड हार्ड कोर है, मेरा हंगर बहुत ही ज्यादा जल्दी जाने वाला है। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ भी करके फटाफट से ना यहाँ पे एक विलेज ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना ब्लॉक्स ढूंढ पाऊँ और उनसे कुछ निकाल पाऊँ। जैसे मैं ओक का लॉक तोड़ता हूँ, यहाँ पे मुझे फूड मिलने लग गया, बढ़िया भाई, यहाँ पे हमारा फूड का काम कम्प्लीट हो चुका है। देख रहे भाई पूरा वर्ल्ड एकदम ही रैंडम हो रखा है, सच बताऊँ ये बहुत मुश्किल होने वाला है और मुझे तो अभी कुछ ढंग का सामान मिल ही नहीं रहा, बस अभी इतना परफेक्ट हो गया है कि यहाँ पे ना मुझे फूड जरूर मिल जा रहा है। यहाँ पे मैं फटाफट से ना पेड़ को तोड़ता हूँ, थोड़ा बहुत मैं फूड रख लेता हूँ अपने पास ताकि मेरा पेट भर जाए उससे। रात होने से पहले यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा एक विलेज, वरना ज़ॉम्बीज वगैरह भाई हार्डकोर वर्ल्ड है पेल के रख देंगे मेरे को। ओके, सी ग्रास ये कुछ अलग होता है ना, ये क्या ये कुछ अच्छा ड्रॉप करेगा, नहीं ये भी नहीं कुछ अच्छा ड्रॉप कर रहा। क्या मैं अगर फिश को मारूँ तो कुछ चेंज होगा, क्या फिश कुछ अच्छा ड्रॉप करेगी, लेट्स गो, वेट वेट वेट, मरने वाली है। फिश को मार के अपने को मिला डीप स्लेट ब्रिक, आई मीन ये क्या है ये, हाँ डीप स्लेट ब्रिक ही तो मिली अपने को। अब इस ब्रिज से क्या मिलने वाला है, म्यूजिक डिस्क, अबे यार जी भाई अभी म्यूजिक डिस्क दे रहा है, कुछ भी अभी तक मुझे ढंग का सामान नहीं मिला है। शुगर केन से अपने को क्या मिल रहा है, पोशंस, अनक्राफ्टेबल नॉन इफेक्ट पोशंस, हाँ नॉन इफेक्ट पोशंस, भाई दिया ही क्यों, नहीं देते, कुछ फर्क होना पड़ा इनको मिलने के बाद, किसी काम का नहीं है भाई वो। अभी तक ना मुझे एक ढंग की चीज नहीं मिली इस वर्ल्ड के अंदर और मुझे लग रहा है यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी स्टार्टिंग बहुत खराब हुई है और यहाँ पर बहुत सारे चिकन्स हैं। लेट्स गो, क्या तुम कुछ अच्छा ड्रॉप करोगे, प्लीज ड्रॉप समथिंग बेटर भाई, कुछ अच्छा ड्रॉप करो यार, कुछ ओपी ड्रॉप करो यार, कम ऑन, अरे भागे जा रही, रुक जा, कहाँ गई, क्या स्पीड रन कर दिया भाई उसने, क्या ही फेक देके भागी है मुझे वो। ओके ये रही, यहाँ भाग गई है, तुम इधर आओ, ये दूसरी है शायद, अबे कहाँ भाग रही है ये, हाँ अपने को फ्यूल मिला है, ड्राइड कैल्प ब्लॉक, ये फर्नेस में काम आ जाएगा, इसको रख लेते हैं, और ये रही छुपी बैठी है वो वाली, अपने को उसने क्या दिया, आयरन इंगट, आर यू किडिंग मी भाई, लेट्स गो, अपने को आयरन मिल चुका है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुको, यहाँ पे मुझे औरों को भी मारना पड़ेगा क्योंकि भाई अपने को इनसे अगर आयरन मिल रहा है तो ये बहुत ओपी चीज हो जाएगी। लेट्स गो, गिव मी सम आयरन ब्रो, कम ऑन, अच्छा भाई थोड़ा सा आयरन दे दे मेरे को, इस बार आयरन नहीं दिया इसने, अरे मैं दिया, 3 हो गए हमारे पास, और मारते हैं, हाँ क्या ही भागती है यार ये लोग। ओके 4 आयरन, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और, 5 आयरन भाई साहब, ये नया ब्लॉक, इस नए ब्लॉक से हमें क्या मिलने वाला है, बैम्बू,
बैम्बू से मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास तो वुड भी नहीं है यार। कम ऑन, मुझे ना वुड चाहिए होगी ताकि कम से कम मैं क्राफ्टिंग टेबल बना पाऊं। पर मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पे वुड किससे मिलने वाली है। एक और कॉमेडी दिख गई अपने को, इधर आयरन दे दो प्लीज, मुझे आयरन दे दो। अरे यार कितना भागती है भाई, 6 आयरन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई। पिकैक्स नॉट बैड, अभी हम लोग स्टोन माइन कर सकते हैं। इस वाले को ट्राई करके देखता हूँ क्या मिलेगा। डायमंड की स्वॉर्ड, आर यू किडिंग मी भाई, बहुत बढ़िया है, रख लेता हूँ, मुझे क्या दिक्कत भाई। अपने को आयरन की स्वॉर्ड मिल गई, इसे तोड़ूं तो स्टोन ब्रिक्स नॉट बैड भाई। और अगर मैं इन स्टोन ब्रिक्स को तोड़ू तो क्या मिलने वाला है, क्रॉस बो। ओरे भाई साहब यार कुछ भी हो रहा है। और अगर मैं स्लैब को तोड़ू तो ओके जी जी गाइस, अपने को ना स्टोन मिल चुका है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं चीजें। तो अभी ना यहाँ पे मैं एक फर्नेस जरूर बना सकता हूँ कुछ भी कहूँ तो। और यहाँ पे ना बहुत सारी बेरीज भी हैं, रेड बेरीज, अपने को वुड मिला है। जी जी गाइस अपना काम हो चुका है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे मुझे बहुत सारा वुड मिल चुका है, लेट्स गो। जिसकी मुझे बहुत नीड थी वो अपने को मिल चुका है, मैं सारा खाना लेने वाला हूँ क्योंकि मैं एक चीज भी ड्रॉप नहीं करने वाला। ये वुड बहुत रेयर हो सकता है इस मॉड के अंदर, भाई मिल गया, बहुत बढ़िया हो गया, अपनी किस्मत अच्छी थी भाई, अपने को ना इतनी जल्दी वुड मिल चुका है, जितना हो सारा रख लो भाई। यार ये क्या ही ओपी जगह है, यहाँ पर फटाफट से सारी सैंड से मैं स्लैब बनाने वाला हूँ एंड इनसे मैं बनाने वाला हूँ स्टोन। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग तोड़ना स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। यहाँ पर हमारे पास हो चुका है टोटल 13 कॉबल स्टोन, लेंथ को कवर करते हैं, फटाफट से बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल और उसको लगाते हैं फटाफट से यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बनाने वाले हैं स्टिक्स, कुछ स्टिक्स ऐसे करके, एंड यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बनाने वाले हैं फर्नेस। उसके जस्ट बाद यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक एक्सपी, लेट्स गो। फटाफट से वापस कनेक्ट करते हैं। ओ मुझे पता था भाई, अगर मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पे प्लेस करूँगा तो वो दोबारा वापस नहीं आने वाली। तो अगर मैंने एक भी बार यहाँ पे फर्नेस प्लेस कर दिया तो मुझे जितना हो सके सारा का सारा खाना पकाने रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ना रात हो चुकी है भाई, यहाँ पे और बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि रात में ना यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फटाफट से ना मैं यहाँ पे बहुत सारा खाना कलेक्ट कर लेता हूँ, जितना खाना हो सके वो मुझे कलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे फटाफट से एक बार पूरा का पूरा फर्नेस प्लेस करेंगे एंड सारा का सारा खाना कुक कर लेंगे एक बारी के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे रात ऑलरेडी हो चुकी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे रात हो चुकी है और रात में ना बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है, मैं मर गया भाई, बहुत मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। मुझे स्केलेटन की मुझे आवाज आ रही है, मुझे भाई वो स्केलेटन दो शॉट में मार देगा क्योंकि एक हार्डकोर वर्ल्ड है। तो सामने की तरफ मुझे एक शीप जरूर दिखाई दी थी, आई थिंक वो कहाँ भाग गई, अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रही। यहाँ पे तो ज़ॉम्बी भी आ रहा है, पर अच्छी बात है मुझे एक स्वॉर्ड जरूर मिल गई थी। ये ज़ॉम्बी सच में बहुत खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड है भाई। हमने एक को ड्रॉप कर दिया है, ये लोग क्या ड्रॉप कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फालतू चीज ड्रॉप कर रहे हैं यार। पर फिलहाल जितना खाना हो सकता है मैं फटाफट से कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे ना मुझे एक ही मिला था रेड स्टोन, यहाँ पे ताकर मैं इसको तोड़ू तो कुछ और मिलेगा, इसको गोल्ड का ब्लॉक भाई, लेट्स गो भाई, नगेट मिले अपने को, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। एंड यहाँ पे अपने को फिशिंग रॉड मिली है विद कैरेट, क्या ही मिल रहा है भाई इस वर्ल्ड के अंदर। एक मशरूम है अपने पास, इसको तोड़ के क्या मिलेगा, अबे ये क्या हो रहा है भाई, ओके अपने को एक बोट जरूर मिल चुकी है। ओ ज़ॉम्बी थोड़ा दूर हो जा भाई मुझसे, क्योंकि रात के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाली है। एक और ज़ॉम्बी जो कि फालतू चीज ड्रॉप करने वाला है, आउच भाई क्या डैमेज दे रहा है बंदा, मजाक से हट के भाई क्या डैमेज दिया है उसने मुझे। हर तरफ से ये लोग आ चुके हैं गाइस, हम लोग गए भाई। स्केलेटन नहीं, स्केलेटन नहीं झेल पाऊंगा मैं, स्केलेटन बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भाई, मजाक से हट के मर जाऊंगा मैं। ओके लेट्स गो, स्केलेटन ने मार दिया ज़ॉम्बी को, बहुत बढ़िया लड़ाई हो गई मैं बहुत भयंकर। चलो ये मौका है स्केलेटन को पेलने का, क्योंकि ज़ॉम्बी को तो हम कुछ कर सकते हैं पर स्केलेटन को हम लोग मार सकते हैं, इससे पहले हमें मार दे, बहुत बढ़िया। अच्छी बात थी कि मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में ना एक डायमंड स्वॉर्ड मिल गई थी, एक सेकंड तो तोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली वो ग्लास था ना वो कुछ टूट के मिलेगा भी नहीं। तो मारते हैं भाई, यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ बुरी तरह से, मुझे ये रात सर्वाइव करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो भाई ये रैंडम ब्लॉक इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था भाई, पर मेरे को एक कॉमेडी को मार के ना आयरन मिला है। फटाफट से ना इसे थोड़ा सा आमा बना लेते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह पाए कम से कम। ज़ॉम्बी की फर्स्ट स्टेप्स आ रहे हैं मुझे, ऑलमोस्ट मेरे पास में ही है वो, लेट्स गो मारते हैं इसे फटाफट से। ओके दो लोग हैं, पीछे हो जा भाई तेरी, चल इसको प्लेस करते हैं फटाफट से, यहाँ बनाते हैं एक लेगिंग्स। अरे क्या हो गया, क्राफ्ट क्यों नहीं हुई, नहीं हो गए सूट अप, लेट्स गो। एक लेगिंग हमारे पास बन चुकी है, अगर अपने को थोड़ी बहुत मुर्गी और मिल गई ना तो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा आयरन का आर्मर निकल जाएगा। एंड सामने की तरफ ना मुझे एक ग्राउंड दिखा था, लेट्स गो भाई, ये देखो मेरी नाव में बैठा हुआ है वो, अगर मैं इसे मारता हूँ तो क्या है कुछ ऐसा ड्रॉप करेगा,
लेट्स गो। उसने क्या ड्रॉप किया? कुछ भी नहीं भाई, ये पॉलिश चीज ड्रॉप कर रहा है। और अगर मैं बोट को तोड़ता हूँ तो ओके, बोट को तोड़ने से बोट ही मिलती है, ये चीज ठीक है। एक मिनट, स्क्वाइड को मार के क्या मिलेगा? रुक रुक रुक, तो मारा तो मुझे क्या मिला? हाँ क्या मिला मुझे? साइन बोर्ड मिला यार, कम ऑन भाई, क्या फालतू चीज मिल रही है। चलो भाई फटाफट से निकलते हैं, और हमारा खाना ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, पर अभी तक ना हमने एक बार फर्नेस नहीं तोड़ा है, तो लेट मी ट्राई कि फर्नेस को तोड़ के क्या मिलता है। एंड मैंने ना ये चीज भी नहीं तोड़ी है, इसको तोड़ के देखते हैं। इसको तोड़ के अपने को स्लाइम मिला है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और अगर मैं प्लैंक्स को तोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? आर यू किडिंग मी भाई, नेदरराइट इंगट। ब्रो मजाक कर रहे हो क्या? नहीं भाई, आर यू किडिंग मी भाई, नेदरराइट इंगट, आर यू सीरियस? ओह भाई साहब, नेदरराइट इंगट मिल रहा है अपने को। अबे तेरी बहन को नमन, तू इधर आ, तेरी साढ़े इधर। हाँ नहीं तो भाई बार बार आ जाते हैं। और भाई अपने को ना यहाँ पर नेदरराइट इंगट मिल चुका है बहुत ही ज़्यादा आसानी से भाई साहब। और अब मैं इसको तोड़ू तो ग्लास पैनल्स, ठीक है फालतू चीज़। इसको तोड़ने से क्या मिलेगा? ये भी फालतू चीज़ है भाई। सही बताऊँ ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्योंकि मुझे ब्लॉक तोड़ने के बाद ब्लॉक ही मिल रहा है, तो मैं और ट्राई कर सकता हूँ। इसको तोड़ू तो डेड कोरल फैन मिला है अपने को, फालतू चीज़। फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो अपने को क्या मिलेगा? रेड स्टोन का ओर मिला है, फालतू। एंड अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो एमरल्ड के ब्लॉक भाई, एमरल्ड के ब्लॉक मिल रहे हैं अपने को, आई मीन एमरल्ड के ब्लॉक नहीं, एमरल्स मिल रहे हैं अपने को, तीन एमरल्ड हो चुके हैं यार, ये तो बहुत सही चीज हो गई। मुझे लग रहा है मैंने ऑलमोस्ट नाइट सर्वाइव कर ली है, क्योंकि अभी तक तो मैं जिंदा हूँ। पर अगर मैं क्रीपर को मारता हूँ तो क्या मिलने वाला है? पर सच बताऊँ क्रीपर को मारना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एक सेकंड रुको, नहीं नहीं फटना नहीं, बच गया, ओके मर गया। उसको मार के अपने को क्या मिला? अबे ये क्या है भाई, ये एमेथिस्ट का बर्ड मिला है अपने को, छी भाई फालतू चीज यार। ग्रे वुल, इसको तोड़ के क्या मिलेगा? फालतू चीजें मिलवा लो भाई। कोरस फ्रूट, लेट्स गो भाई, टीपी हो गए हम लोग। अबे पेड़ पे आ गया गलती से मैं, गिरना नहीं भाई, लग जाएगी बहुत जोर से। क्लच करते हैं, लेट्स गो। आउच, हक दिया ना मैंने, सॉरी गाइस। मुझे कुछ भी करके यहाँ पे एक विलेज चाहिए होगा, वरना ये स्केलेटन हाँ मेरे को पेल के रख देंगे। आउच, मरी गया भाई, ऑलमोस्ट मर गया मैं। तुम लोग देख रहे हो उसने दो शॉट मारे और मैं ऑलमोस्ट मर गया था। और यार हर तरफ स्केलेटन ही स्केलेटन है यार, और इनका एम कितना अच्छा क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं इतने स्केलेटन? डैम यू। एक नई ओर अपने को मिली है, तोड़ के मिला अपने को, एश पोएट्री शेड्स मिल रहे हैं इसको तोड़ के। अबे यार क्या फालतू चीज है भाई, फिलहाल तो मैं यहाँ पर छुप गया हूँ। अपने को फ्लावर्स मिल रहे हैं, इन पोएट्री शेड्स से अगर मैं बनाता हूँ एक पॉट और मैं अगर उसको तोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा? बेड, आर यू सीरियस भाई, लेट्स गो। हमको क्या ही परफेक्ट टाइम पे बेड मिला है भाई, अब हम लोग रात सर्वाइव कर सकते हैं। अब मुझे इस केव में छुप के रहना नहीं पड़ेगा, थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो। कम ऑन, मैंने बेड तोड़ दिया ना, मॉन यार भाई क्या कर रहा हूँ मैं। पर अच्छी बात है भाई, अपने को यहाँ पे बेड मिल चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोगों ने सर्वाइव कर लिया है इस वर्ल्ड में पहली नाइट को, लेट्स गो। काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था ये टास्क। एक और सुहाना दिन, यहाँ पे मुझे फ्लावर्स मिले हैं, तो अगर मैं इनको तोड़ूं तो हनी ब्लॉक मिलेगा, देख रहे हो भाई हनी ब्लॉक मिला है अपने को। हनी ब्लॉक के बाद अगर मैं इसको भी तोड़ता हूँ तो लेट्स गो, फूड अपने को मिला बहुत सारा। यहाँ तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है यार, इसको तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा ना। यहाँ पर मैं इन बेड्स को संभाल रखने वाला हूँ, क्योंकि तीन बेड हमारी तीन नाइट सर्वाइव करने में हेल्प करने वाले हैं। एक सेकंड, मैं फालतू में डैमेज क्यों दे रहा हूँ, फूड खाते हैं फटाफट से, हेल्थ रिकवर करते हैं। यहाँ पर बायोम चेंज ही नहीं हो रही, मैं सच में बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लिया हूँ पर यहाँ पे बायोम चेंज नहीं हुई। चीज मिली अपने को, लेट्स गो, स्पेक्ट्रल एरोज और ग्लो स्टोन, बहुत बढ़िया भाई, रख लेता हूँ मैं, बाद में काम आ जाएगा भाई। आयरन, आयरन की लेगिंग्स मिली, ओहो अपने पास ना ऑलरेडी ये है यार, अगर मैं इसे दोबारा तोड़ू तो क्या अपने को चेस्ट प्लेट मिलेगी? नहीं ना भाई, नहीं ना, यही मिलेगा सिर्फ, फिर तोड़ू तो कुछ अच्छा मिलेगा? ना ना भाई, अपनी ना किस्मत थोड़ी सी खराब चल रही है, क्योंकि हम लोग को जो आयरन मिला था ना उससे मैंने लेगिंग्स ही बना ली थी, पर हम लोगों को लेगिंग्स इतनी आसानी से मिल रही है, पर साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स मिल रही हैं अपने को। ओहो क्या ही चीज मिली है भाई, फालतू एकदम। इसको ब्रेक करूँ तो एंड स्टोन, आर यू किडिंग मी भाई, ग्रे शल्कर बॉक्स ही काम का हो सकता है, पर एक सेकेंड, ये शल्कर बॉक्स किसी काम का नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं इसे प्लेस करा और सपोज करो मैंने इसमें अपना सामान रखा और मैंने कलेक्ट करना चाहा इसको, तो ये खराब हो जाएगा।
और अपने को ड्रैगन ब्रेथ मिलेगी जो कि किसी काम की नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। जब चीज काम की मिल रही है, पर वो चीज काम की है पर फिर वो काम की नहीं होती है। कुछ नए ब्लॉक्स मुझे और ट्राई करने पड़ेंगे, जैसे कि बहुत सारी ओर्स। और यहाँ पे लेट्स गो, अपने को कॉपर की ओर मिली है और इससे अपने को वुल मिला है बहुत सारा। नॉट बैड भाई, अगर मैं इस वुल को तोड़ता हूँ तो और कुछ ड्रॉप करना। भाई ये क्या फालतू चीज भाई, इसको ट्राई करते हैं, लेट्स गो। कुछ अच्छा खत्म ही हो गया, तो किसी काम का नहीं था। पर मैंने ना ये चीज ट्राई नहीं करी अभी तक, इसको ट्राई करके देखते हैं। कैंप फायर, आर यू सीरियस भाई, कैंप फायर मिली अपने को। पर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो शवल मिली अपने को, बहुत बढ़िया, वो भी गोल्डन शवल, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी बहुत और चाहिए होगी मुझे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरे पास साइन बोर्ड्स भी हैं जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे हैं, लेट मी ट्राई भाई। एक और साइन बोर्ड, वाह भाई, साइन बोर्ड से एक और साइन बोर्ड मिलता है, उसको तोड़ूं तो ट्रैप डोर मिलता है, इसको तोड़ूं तो ब्रिक मिलती है, इसको तोड़ूं तो लैब मिलती है, इसको तोड़ूं तो ग्लास मिलता है, और ग्लास को तोड़ूं तो कुछ भी नहीं मिलता है। फालतू चीज फेंको इसे। थोड़ा सा ना यहाँ पे मुझे आगे जाना पड़ेगा और नई बायोम्स एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, जिससे हमें नई नई पॉसिबिलिटीज की लूट मिल सके। पानी के अंदर क्ले जरूर दिखाई दे रही है मेरे को। कैंडल्स मिली अपने को, प्लीज कैंडल्स को अच्छा देना, कम ऑन। अबे यार ये ग्लासेस नहीं चाहिए यार, प्रॉब्लम ये आ जाती है जैसे ग्लास आते हैं ना फिर हमारी चेन टूट जाती है। लेट्स गो, ये मिला, इसके बाद इसको तोड़ता हूँ तो ये मिलेगा, इसको तोड़ता हूँ तो सीट मिलेगा, और सीट को तोड़ता हूँ तो नेदरराइट हेलमेट मिलेगा। ब्रो व्हाट द हेक भाई, आर यू सीरियस, सीधा का सीधा नेदरराइट हेलमेट भाई, क्या किस्मत चल रही है मेरी। और यहाँ पर रात हो चुकी है, फटाफट से ना मॉर्निंग कर लेते हैं। स्लाइम ब्लॉक को ब्रेक करें तो डायमंड के बूट्स, लेट्स गो। एंड मैंने क्वार्ट्स भी ट्राई नहीं किया है, क्वार्ट्स को ब्रेक करें तो टोटम ऑफ अनडाइंग, आई लव द क्वार्ट्स भाई, मुझे ये क्वार्ट्स चाहिए, चाहे कुछ भी हो ये क्वार्ट्स तो बहुत सही है। अपने को टोटम मिल गया भाई, लिटरली टोटम, हार्डकोर वर्ल्ड में टोटम भी लाइक भाई लाइफ प्लान अपने लिए। यहाँ पे मैं स्नोई प्लेन्स में आ चुका हूँ और सामने की तरफ मुझे दिखाई दे रही है एक आइस बायोम। मुझे लग रहा है यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज मिल सकती है। आइस बायोम में हमारे पास पोलर बियर है, तो मे बी ये बंदा कुछ ऐसा ड्रॉप कर सकता है, मुझे इससे फाइट लेनी पड़ेगी। लेट्स गो, मार सकता है मुझे, बहुत पावरफुल है। लेट्स गो, मार दिया हम लोगों ने। इससे हमें क्या मिला, रेड कोरल फैन मिला है क्या इससे? न्यू ब्लॉक कि मैं तो इसे कलेक्ट ही नहीं कर सकता, देख रहे हो किस्मत ही खराब है मेरी। मुझे जो भी बायोम मिल रही है वो किसी काम की नहीं है चैलेंज के लिए। ब्रो आर यू सीरियस, क्या ही रद्दड़ जगह पे आ गया हूँ यार, ये की चीज है पूरी एरिया में भाई, बायोम चेंज ही नहीं हो रही है, मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ, किस्मत खराब हो भाई किसी की, पर इतनी खराब ना हो। फ्लावर बाउल मिला है अपने, क्या करूंगा इस बाउल का मैं, एम्प्टी बॉटल, एक जले पे नमक छिड़क रहा है ना भाई, क्या बताऊं तुम्हें मैं। ओके फाइनली अ विलेज गाइस, वी फाइनली गॉट इट भाई, मिल गया विलेज, बहुत मशक्कतों के बाद मिला है पर मिल गया। जीजी भाई जीजी बॉस ही हो गया, और हम लोग ने एकदम परफेक्ट टाइम पे आए, यहाँ पर रात भी हो चुकी है, तो फिलहाल ये वाली नाइट तो मैं इस विलेज में सर्वाइव करने वाला हूँ। और यहाँ पे इस विलेज में मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, लेट्स गो फटाफट से मॉर्निंग करते हैं और सुबह देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। लेट्स गो, चेस्ट के अंदर बहुत सारा फूड मिल गया अपने को, बढ़िया रख लेते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेस्ट को ब्रेक करते हैं तो अपने को क्या मिलने वाला है, फेंस एंड बीट रूट शीट्स वगैरह, ये तो शायद चेस्ट के अंदर थे। ये फर्निस को हमने ब्रेक कर लिया था, उससे कुछ ज्यादा खास मिला नहीं अपने को। एंड यहाँ पे नई चीज है जो कि है एक डोर, इस डोर को ब्रेक करने से क्या मिलेगा, किससे तोड़ रहा था मैं, कारपेट। फेंस को ट्राई करते हैं, फेंस फेंस फेंस, अबे ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में, कुछ भी ढंग का क्यों नहीं मिल रहा मुझे, क्या चेन बन जाती है ये। अबे यार ये पिंक वाला साइन भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, और फेंस, फेंस थोड़ी फेंस मिली, वाह क्या बात है। पिचर प्लांट, अबे ये नहीं चाहिए मुझे, अबे यार ओ कम ऑन भाई, ये कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, खत्म ही नहीं हो रहा ये, कितना रैंडम ब्लॉक होगा भाई। स्टेयर्स ये हमने ट्राई नहीं करी अभी तक, इसके बाद ये बैनर पैटर्न तो भी ट्राई करके देखते हैं, कम ऑन कम ऑन। आइटम फ्रेम, और ये यूज ही नहीं हो सकता, किस्मत खराब, ये आइटम फ्रेम हुआ इतनी मेहनत करने के बाद, और बिना मेहनत करे ये नेदराइट, वाह क्या बात है जी क्या बात है। लाइट फ्लावर, टॉर्च फ्लावर, ओके
साइन ब्रेक करे तो इसको ब्रेक करे तो भाई कम ऑन यार कुछ धमका दे दो ना यार डिस्क फ्रेगमेंट आर यू किडिंग मी भाई। एंड यहाँ पे एक नई चीज और है जो कि है लेग कैन इसको तोड़ते हैं तो हमको ट्रैप डोर मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो यहाँ पर अपने को मिलेगी एक वाइट डाई पर मैंने अभी तक यहाँ पे डर्ट पाथ यूज नहीं किया इसको ब्रेक करूँ तो फेंस मिलेगा ठीक है ये ग्रास ही है कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें माना अपने को काफी ऊपर चीज ऑलरेडी मिल चुकी है पर थोड़ा सा ग्रीडी होने पर बनता है यार। ओके एक और एडवांस चीज जो कि मुझे शायद यही मिल सकती थी कहीं और नहीं मिल सकती थी मुझे ट्राई करनी पड़ेगी और इससे अपने को मिलता है तो भाई इस वाले वर्ल्ड के अंदर अपने को बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी चीज मिल चुकी है पर यहाँ पे पूरी की पूरी बायोम यहाँ पे सेम ही होने वाली है तो अगर मुझे यहाँ पे नए ब्लॉक चाहिए नई बायोम चाहिए तो मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई तुम्हें मजा आया हो उस चीज को देखने में और हम लोग ना अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड हम लोग यहाँ पे एंडर ड्रैगन को भी हराने वाले हैं इसी हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर तो तुम लोग ये जर्नी अगर देखना चाहते हो तो तुम लोग लाइक मार देना तो बाकी चीजें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।